ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में फैसले में देरी। और इसी के साथ आपको बता दें कि पहले 12 बजे आना था फैसला, इसमें देरी हो चुकी है, अब 12 बजे ये फैसला। और आपको बता दें मुस्लिम पक्ष ने की कमिश्नर को हटाने की मांग, कोर्ट 1 बजे सुना सकता है फैसला। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद केस के जो फैसला था उसमें देरी हो चुकी है, पहले 12 बजे ये फैसला आना था, जिसे जो कि अब 1 बजे ये फैसला आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर को हटाने की मांग यहां पर की है, कोर्ट 1 बजे सुना सकता है ये फैसला। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में फैसले में जो है देरी हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें पहले 12 बजे ये फैसला आना था, लेकिन आपको बता दें कि अब ये फैसला जो है 1 बजे आएगा। और आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने की कमिश्नर को हटाने की मांग, कोर्ट 1 बजे सुना सकता है अपना फैसला। तो ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसकी केस को लेकर जो आज फैसला आना था उसमें देरी हो चुकी है। आपको बता दें कि 12 बजे ये फैसला आना था, लेकिन अब इसमें देरी हो चुकी है, अब कोर्ट 1 बजे इस फैसले को सुनाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, मुस्लिम पक्ष ने की कमिश्नर को हटाने की मांग। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दे, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो फैसला आने वाला था उसमें देरी हो चुकी है। आपको बता दे पहले ये फैसला 12 बजे आने वाला था, लेकिन अब इस फैसले को 1 बजे कोर्ट सुनाएगा। और इसी के साथ ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में फैसले में देरी हो चुकी है। और आपको बता दें कि पहले 12 बजे ये फैसला आना था, और लेकिन देरी के चलते अब ये फैसला कोर्ट 1 बजे सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर को हटाने की मांग की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज, GOT, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।